हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेसन वाली मिस्सी रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, 1 कटोरी बेसन, ये धनिया, हरी मिर्च, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच अजवाइन, ये मैंने 3 प्याज काटे, और ये प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे तो थोड़ा बारीक अच्छा लगता है, ये नमक और ये लाल मिर्च। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब मैं आटे को गूंथ लेती हूँ, और इस आटे को गूंथने से पहले मैं इसमें 2 चम्मच घी के डालूँगी। घी से थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी बनेगी और इसमें टेस्ट, घी का फ्लेवर के टेस्ट को एनहांस करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये हरा धनिया, हरी मिर्च, 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, और अब मैं ये प्याज डाल के पहले इसको, जो मैंने घी डाला था उसके साथ इस पूरे आटे को पहले मैं मिक्स करूँगी ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको गूंथना स्टार्ट करूँगी। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका नॉर्मल सॉफ्ट आटा गूंथेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटा मैंने गूंथ लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा घी डाल के इसको स्मूथ कर दूँगी, और इसके बाद हम इसको 20 मिनट तक ढक के साइड पे रख देंगे, और फिर हम इसकी परांठे बनाएंगे। मैं आपको इसकी परांठे बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले घी लगाया, अब इस तरीके से इसको फोल्ड करके, और आराम से इसको हम वेल लेंगे। ज्यादा पतली भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं, एक नॉर्मल परांठा आप इसका वेल लें। तवा गर्म हो गया, अब हम इसके ऊपर परांठे को डाल देंगे। इसकी एक साइड थोड़ी सी पक गई है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद इस पर घी लगा के दोबारा से इसकी साइड चेंज करके फिर हम इस पर घी लगाएंगे। अब इस पर दोबारा से घी लगा के इसको पकने देंगे। अब ये पकने वाली है, अब इस गैस बंद कर दिए। थोड़ा सा घी हम रोटी पे, तवे पे लगा के, और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। ये रेडी हो गई है, अब ऊपर से भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप इस पे बटर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। तो आप इसको दही या लस्सी के साथ, फ्रेंड्स ये ब्रेकफास्ट के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि इस मिस्सी रोटी में प्रोटीन होता है, तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, तो मैंने इसको लस्सी के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।